this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वंस अगेन वेलकम बैक तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको 18 सितंबर 2020 के लिए जो मैंने आपको कॉल दी थी वो मैं आपको बता देता हूँ और देखिए जैसे किरविन में हमारा जो बाई साइड का था पहले ऐसे लिट हो गया था कि गैप ओपन होने के बाद इसने अपना गैप फिल किया फिर अपना लेवल ब्रेकआउट किया फिर ऐसे लिट हो गया था लेकिन फिर शॉर्ट सेलिंग साइड का टारगेट अचीव हुआ फिर उसके बाद हमारा बाई साइड का टारगेट अचीव हुआ बाकी जो मैंने आपको दिए थे ये जो स्टॉक मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए थे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाएगा मॉर्निंग में मैं दो कॉल्स वहाँ प्रोवाइड करूँगा दो कॉल्स यूट्यूब में मैं प्रोवाइड करता हूँ तो बाकी तो हमारा अच्छा ही रहा बस हमारा किस में बाई साइड का एक बार ऐसे लिट हो गया और मैं हर बार बोलता हूँ अगर पहली बार मैं ऐसे होता है तो दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं तो ट्वेंटी वन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी की कॉल्स की बात करूँ मैं तो पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है जसडाइल जसडाइल देखिए आप बाय करके चलेंगे थ्री एटी टू पर टारगेट रहेगा आपका थ्री एट्टी थ्री पॉइंट फाइव जीरो पहला टारगेट प्राइस स्मॉल क्यों रहेगा मैं कल प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझा चुका हूँ अगर आप न्यू व्यूअर्स तो मैं एक बार बता दूँ कि पहला टारगेट प्राइस स्मॉल इसलिए रखता हूँ कि गैप डाउन ओपन होने के बाद इतना रीच तक ये पहुँच जाए इसीलिए पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखा जाता है अगर गैप डाउन भी ओपन होता है तो इतने प्राइस तक ये इजिली कवर कर ले इसीलिए मैंने पहला टारगेट प्राइस स्मॉल रखा है दूसरा टारगेट प्राइस है आपका थ्री एटी एट का थर्ड टारगेट प्राइस है आपका थ्री नाइन्टी फोर का लॉस रहेगा आपका थ्री नाइन का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी थ्री सेवन टारगेट रहेगा थ्री 372 फाइव पॉइंट फाइव जीरो थ्री टू और थ्री सिक्सटी एट का स्टॉप लस रहेगा आपका थ्री का ये बात ध्यान रखिएगा बाइंग का जो है लेवल ब्रेकआउट होगा लेवल ब्रेकआउट कैसे होगा थ्री एट्टी टू पॉइंट वन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे बाय करेंगे एक्जैक्टली थ्री एट्टी टू पर बाय नहीं करेंगे वैसे ही शॉर्ट सेलिंग की साइड थ्री सिक्स पॉइंट नाइन जीरो जब हो जाएगा तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे एक्जैक्टली थ्री सेवन पे शॉर्ट सेल नहीं करेंगे पहली बार में स्टॉप लॉस हिट होता है दूसरी बार वो कॉल आप ले सकते हैं इजीली ले सकते हैं बट पहली बार में टारगेट अचीव हो गया दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे एक और चीज मैं आपको बता दूँ स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस का मेन जो रीजन है स्टॉप लॉस के में अगर एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आप रखेंगे क्या बाय साइड का स्टॉप लॉस रखेंगे थ्री सेवेंटी एट पॉइंट नाइन जीरो का क्योंकि इसके नीचे ये जो स्टॉप लॉस आपको दिया है इसके भी नीचे अगर प्राइस जाने लगे तब आप अपना स्टॉप लॉस हिट मारेंगे एग्जैक्ट इस प्राइस पर हिट नहीं मारेंगे वहीं स्टॉप लॉस बाई साइड का जो है ये थ्री थ्री एट्टी से जब ऊपर जाने लगेगी वैल्यू तो तब अपना हिट मारेंगे एग्जैक्ट थ्री एट्टी पर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे अगला स्टॉक है हमारा बाला माइन्स जिसे आप बाय करके चल सकते हैं नाइन हंड्रेड का जब लेवल ब्रेकआउट होगा पहला टारगेट प्राइस एज यूजल स्मॉल मैंने आपको बताया कि अगर गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है देखिए अगर स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे टेन ए एम तक गैप फिल होने का गैप फिल कैसे होगा देखिए जैसे ये बाई साइड है ये बाई का लेवल है और ये शॉर्ट सेलिंग का लेवल है सॉरी ये जो बाई का लेवल है और ये जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल है इन दोनों के बीच में कहीं पे जो प्राइस है वो होल्ड लेगा एक मिनट का अगर होल्ड नहीं लेता है एक मिनट का तो आप उस समय बाई शॉर्ट सेल नहीं करेंगे देखिए अगर गैप अप ओपन होता है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं है गैप डाउन ओपन होता है तो बाइंग के लिए कोई कंडीशन नहीं ये कंडीशन सिर्फ है अगर गैप अप ओपन होने के बाद बाइंग के लिए गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए तो क्या करेगा जैसे नाइन जीरो वन पर ओपन हुआ तो नाइन जीरो वन से ये रेट हंड्रेड समथिंग एट एट हंड्रेड नाइन्टी नाइन पे आएगा होल्ड लेगा एक मिनट का होल्ड कैसे लेगा अप एंड डाउन करेगा उसके बाद नाइन हंड्रेड का लेवल ब्रेकआउट करके दोबारा से ऊपर जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे गैप ऑफ ओपन वहीं शॉर्ट सेलिंग के लिए इसका अपोजिट करेंगे जैसे हो गया एट नाइन्टी पर ओपन तो एट नाइन्टी तो से एट नाइन्टी टू या फिर एट नाइन्टी थ्री तक गया वहाँ इसने होल्ड लिया हल्का सा उसके बाद दोबारा नीचे आने लगा तब तो आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे आ, एट नाइन्टी वन पे जैसे मैंने समझाया आपको तो इसकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस एट नाइन्टी वन की टारगेट रहेगा एट एट्टी एट एट एट्टी और एट सेवेंटी फाइव की स्टॉपलस रहेगा एट नाइन्टी नाइन का ध्यान रखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी पेड क्लाइंट्स की कॉल अगर आप जानना चाहते हैं क्या थी तो वो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिलेगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपको क्वेरी होगी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट मार सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर हो जाइएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ